सारा हाइप तो बना, लेकिन जब डी-डे पर पहुंचे तो इस हाइप की हवा ही निकल गई। देश के सबसे बड़े आईपीओ यानी हुंडई में पैसा लगाने वालों को लिस्टिंग के दिन यानी मंगलवार के दिन निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि हुंडई मोटर इंडिया के शेयर की मंगलवार को जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई तो ये कमजोर नोट पर हुई। शेयर अपने 1960 रुपए के इशू प्राइस से 1% से ज्यादा गिरावट के साथ 1931 रुपए पर खुला। हालांकि हमने एक कमबैक देखा बुधवार को, जब हुंडई के शेयर में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली, और इसीलिए स्टॉक मार्केट के जानकार कह रहे हैं कि भाई हुंडई मोटर इंडिया के शेयर में तूफानी तेजी आ सकती है और इसीलिए खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि हुंडई के शेयर को अभी हम जिस लेवल पर देख रहे हैं ये आगे और कितना भाग सकते हैं, आपको कितनी कमाई करवा सकते हैं, क्या है पोटेंशियल। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हुंडई मोटर इंडिया की लिस्टिंग जो है बैकफुट पर हुई। ये शेयर मंगलवार को 1931 रुपए पर लिस्ट हुआ और इशू प्राइस से करीब 7% की गिरावट के बाद 1820 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ। हुंडई आईपीओ का इशू प्राइस 1960 रुपए था। हुंडई की खराब शुरुआत के साथ बड़े आईपीओ की सुस्त लिस्टिंग का सिलसिला भी जारी रहा है। पिछले दो बड़े आईपीओ LIC और पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन की लिस्टिंग भी कमजोर ही रही थी। हालांकि हुंडई मोटर इंडिया के शेयर ने बुधवार को शानदार कमबैक किया और दोपहर 12:30 बजे इसका शेयर 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 1913 रुपए पर कारोबार कर रहा था। बाजार जानकारों का मानना है कि हुंडई मोटर इंडिया के शेयर में आगे और तेजी देखी जा सकती है। दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने हुंडई पर बाय रेटिंग यानी खरीदारी की सलाह दी है, साथ ही 2472 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। इस लिहाज से हुंडई मोटर इंडिया के शेयर में अभी करीब 30% की उछाल की संभावना दिख रही है। हुंडई में खरीदारी की सलाह देने वाली नोमुरा अकेली ब्रोकरेज फर्म नहीं है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी हुंडई के स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है और 2345 रुपए का लक्ष्य दिया है। एक और ब्रोकरेज फर्म मक्वायरी ने हुंडई मोटर इंडिया पर आउट परफॉर्मिंग रेटिंग दी है और इसके साथ 2235 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। हुंडई मोटर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है। हुंडई इंडिया का मार्केट कैप मंगलवार को 1.47 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि देश की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है यानी कि मारुति सुजुकी, इसका मार्केट वैल्यू 3.74 लाख करोड़ रुपए है। मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर बुधवार को 0.77% की बढ़त के साथ 12,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहे थे। गाड़ियों की बिक्री में सुस्ती की वजह से ऑटो सेक्टर की परेशानियां फिलहाल बढ़ी हुई दिख रही हैं। ऐसे में लग रहा है कि नियर फ्यूचर में भी हुंडई के लिए बढ़त की संभावना जो है वो बहुत सीमित रहने वाली है। लेकिन ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी का मौका जरूर बन रही है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाते हैं, यानी हर डिप में वो शेयर को ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह के टेम्पररी डिप्स के दौरान खरीदारी कर लेते हैं ताकि आगे चलकर लंबे समय में मुनाफा कमाया जा सके। तो अभी जरूर हुंडई का शेयर हमें एक दायरे में दिख रहा है, पर ब्रोकरेज फर्म्स को लग रहा है कि आने वाला समय इनके लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए बाय ऑन डिप करने वालों के लिए ये एक मौका साबित हो सकता है।